एनपीआर और एनआरसी, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च का किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ आसाम में, 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजात के हैं, मंतू शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या, कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल से, पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को, आपके दादा, मेरे दादा, हमारे परदादा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम उलेमा तो नहीं गए पाकिस्तान को? क्यों नहीं गए? क्योंकि हम उसको नहीं मानते वो कि इस्लामिक कंट्री है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। और आपको मालूम 1959 तक कानून नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट का। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दादा और अब्बा की पैदाइश कब हुई तो बोलेगा होंगी 59-60 में, जब कानून नहीं था। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं यहां बोलूं हाथ उठाओ कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ, इतने लोगों के पासपोर्ट है तो ये प्रूफ जरूर है। जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास, 130 करोड़ का देश सिर्फ 5% लोगों के पासपोर्ट है।
आधार कार्ड किसके पास है? अब आप फर्क महसूस करो, पासपोर्ट में कम हाथ उठे, आधार कार्ड में पूरे उठ गए, उठे ना। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब यही तो मैं बोल रहा हूं, और 1996 का एक हाँ वही है। अब आप बताओ फिर क्या बताएंगे? अब आप आके बोलेंगे नहीं आप जो है अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। कहां से लेके आऊंगा मैं, कहां से लेके आऊंगा बताओ? अभी चार दिन पहले जुल्फिकार साहब गवाह हैं, पूना से एक बच्चा फोन किया मुझे, मेरे को यह बोला कि कहां रहने वाले यार, हां जलाल कुचे का रहने वाला हूं, वहां पे एक दवाखाना है, मेरी अम्मा मेरे को वहां पैदा करी। साहब अब ये CAA ला रहे लोग, मेरे को लिख के दे दो कि मैं यहां पैदा हुआ। अब आप बताओ क्या तमाशा होने वाला, ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में, बोलो।